सतिंदर जैन जी किसी और देश में होते ना, उनको भारत रत्न दे देते। उस आदमी ने मोहल्ला क्लिनिक दिया इस देश को, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने आके कहा कि मोहल्ला क्लिनिक सारी दुनिया को अपनाना चाहिए। उस आदमी ने फ्री बिजली का इजाद किया, उसी ने निकाला आइडिया कि बिजली फ्री भी दी जा सकती है। उस आदमी ने पूरी दिल्ली को फ्री इलाज दिया। आज दिल्ली के अंदर जो हर आदमी को फ्री इलाज मिल रहा है, उसकी वजह से मिल रहा है। उसको 3 महीने से इन्होंने जेल में डाला हुआ है, और अभी पिछले 3 सुनवाई से जज बार बार पूछ रही है सीबीआई वालों से, ईडी वालों से, भाई कोई सबूत तो दिखा दो, इसका कसूर क्या है। पढ़ा होगा आपने अखबारों में, जज ने 3 हेयरिंग में पूछा कि कोई तो सबूत दे दो, एक तो सबूत दे दो इसके खिलाफ। वो एक भी सबूत केंद्र सरकार नहीं दे पाई। तो 3 हेयरिंग के बाद केंद्र सरकार आके कहती है ये जज अच्छा नहीं है, जज बदलो। शर्म की बात है, ये हो क्या रहा है इस देश, ये देश के अंदर हो क्या रहा है। कहते हैं जज अच्छा नहीं है, जज बदलो। और अब इन्होंने एक और नया पैंतरा शुरू कर दिया। सतिंदर जैन के घर रेड मारी, कुछ नहीं मिला। उसी दिन इन्होंने किसी और ज्वेलर के यहां रेड मारी, उसके यहां कैश मिला। बोले सतिंदर जैन के सहयोगी के यहां कैश मिला। रे काहे का सहयोगी, कोई जान ना पहचान, किसी अरे गहरे के यहां रेड मार देते हो। अब कह रहे हैं मनीष के साथ भी यूं ही करेंगे, मनीष के यहां कुछ नहीं मिला। कहते हैं फ्री भी करने से सरकार घाटे में चली जाएगी, जनता को फ्री की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। गुजरात पे 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, गुजरात सरकार ने तो आज तक कुछ भी फ्री नहीं दिया, फिर ये कर्जा कहां से चढ़ गया जी? फिर तो कर्जा नहीं चढ़ना चाहिए था, उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया फ्री में, तो ये कर्जा कहां से चढ़ गया? सारा पैसा लूट के खा गए, इसलिए कर्जा चढ़ गया। कर्जा फ्री भी से नहीं चढ़ता, कर्जा लूटने से चढ़ता है। पंजाब के ऊपर अभी हमने सरकार संभाली है, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। पंजाब को तो कुछ नहीं दिया था पिछली सरकारों ने फ्री में, फिर यह कर्जा कहां से चढ़ गया? देश की हर सरकार के ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया था फ्री में, फिर यह कर्जा कहां से चढ़ गया? और दिल्ली वालों को सब कुछ फ्री में मिल रहा है, फिर भी कर्जा नहीं है दिल्ली सरकार के ऊपर। तो फ्री भी देने से कर्जा नहीं चढ़ता, फ्री भी देने से सरकारें घाटे में नहीं जाती। 2 किस्म की राजनीति है, एक वो जो सरकारों को लूटते हैं, देश को लूटते हैं, पैसा कमाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, अपने परिवार के घर भरते हैं, 7-7 पुश्तों तक इन्होंने पैसे कमा रखे हैं, 7 पुश्तें इनकी घर बैठ के खाएंगी। और दूसरी वो राजनीति है जो फ्री में देती है सबको, जनता के भले के लिए। ईमानदारी से ये कहना चाहता हूं, ये सबको जेल में डालेंगे। सतिंदर को डाल दिया, अमानतुल्ला को डाल दिया, मनीष सिसोदिया को डालने की तैयारी चल रही है, इसके बाद कैलाश गहलोत का नंबर है, उसके यहां भी रेड होने वाली है, कई एमएलए जेल जाएंगे। एक चीज बस ध्यान रखना, 3 से 4 महीने जेल जाने के लिए तैयारी कर लो, फिर ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने अपने घर में बोल दो। कल पंजाब से मेरे पास 2-3 MLA आए थे, मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा अगर 3 से 4 महीने जेल जाने को तैयार हो, और जेल उतनी बुरी भी नहीं है, मैं भी गया हूं, 15 दिन मैं जेल में रहा था, 3 से 4 महीने जेल जाने की तैयारी कर लो, अगर सबके अंदर ये हिम्मत आ जाए, उसके बाद ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम लोग।